तहसील रावेर के खानापुर गांव में कृषि विभाग की तरफ से मृदा आरोग्य पत्रिका अभियान चलाया गया। किसान दुनिया का पालनहार है। आज किसानों को अपना पिछला भूलकर अब अच्छे दिन आने शुरू हो गए हैं। कृषि विभाग की ओर से महाराष्ट्र भर में मृदा परीक्षण पत्रिका योजना चलाई जा रही है, जिसमें किसानों को मृदा परीक्षण और फसल के संबंध में फसल पर जमीन से कितने पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और खाद, हरी खाद, सेंद्रीय उर्वरक आदि द्वारा कितनी मात्रा में पोषक तत्व देना चाहिए, ये जानकारी दी गई। यह योजना कृषि विभाग के मार्गदर्शन में खानापुर गांव में खेती आरोग्य पत्रिका अभियान अंतर्गत चलाई गई, जिसमें कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। अभियान में किसान भाइयों ने अपने कुछ मुद्दे रखे, जिनको कृषि विभाग अधिकारियों की तरफ से सुलझाया गया और साथ ही किसान ने अपनी जमीन की जो कमियां है उस पर ध्यान देना जरूरी है, जिससे भविष्य में किसान को बड़ा फायदा होगा। खानापुर मध्ये आपण कृषि विभाग मार्फत जमीन आरोग्य पत्रिका अभियानामध्ये कार्यक्रम घेतलेला आहे। या कार्यक्रमामध्ये शेतकरी बांधवांनी त्यांच्या जमिनीचं आरोग्य तपासून त्याप्रमाणे जो क्रॉपिंग पॅटर्न आहे, पीक पद्धती आहे, ती ठरवणं गरजेचं असतं आणि केवळ त्याची एक प्रचार प्रसिद्धी करण्यासाठी आजचा हा कार्यक्रम या ठिकाणी घेतला। बरेचसे शेतकरी बांधव या ठिकाणी आज उपस्थित होते आणि बऱ्याचशा शंकाही त्यांनी विचारल्या। त्या शंकांचं निरसनसुद्धा आज या ठिकाणी शासनाच्या वतीने करण्यात आलेलं आहे आणि पुढेही भविष्यामध्ये शेतकऱ्यांनी त्यांचा जो पीक पद्धती आहे ती पीक पद्धती केवळ जमिनीचा प्रकार, जमिनीमध्ये उपलब्ध असलेले जे घटक आहेत ते घटक पाहून जमिनीमध्ये त्यांनी त्यांच्या शेतामध्ये पीक पद्धती ही राबवली पाहिजे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे, साथ ही कृषि अधिकारी भालचंद्र ढाळे, मंडल कृषि अधिकारी सावदा, अतुल पाटिल, राहुल भारंबे, सचिन गायकवाड़, विनोद सिंह राजपूत, किशोर पाटिल, कैलाश काळे आदि उपस्थित थे। बीसीएन न्यूज के लिए तहसील रावेर से उमाकांत मराठे की रिपोर्ट।